नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के स्लोगन के साथ भाजपा के सचिवालय महाघेराव को लेकर मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में बीजेपी की ओर से किए गए सचिवालय घेराव के दौरान यातायात बाधित होने के मामले को लेकर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर 3 अगस्त को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट जयपुर में जस्टिस MM श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने ट्रैफिक जाम होने और भाजपा को सचिवालय घेराव की अनुमति देने के प्रकरण में फिर से कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि लगता है पुलिस को कोर्ट के आदेशों के बारे में पता नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि सिटी ट्रैफिक को रेगुलेट करने का काम हमारा नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक परेशान होगी तो कोर्ट को दखल देना होगा। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर को नोडल अधिकारी अपॉइंट करे ताकि वो हाईकोर्ट के अब तक के आदेशों के अनुसार सर्कुलर जारी करे। कोर्ट ने कहा कि सर्कुलर सभी जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर्स के पास होना चाहिए और उसी के आधार पर रैली और धरने की अनुमति दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट सिंगल बेंच से रेफर होकर आई इस अवमानना संबंधी कार्रवाई में डिविजनल बेंच ने सरकार को विस्तृत जवाब देने के लिए 21 अगस्त तक का समय दिया है। सरकार को बताना होगा कि पुलिस अधिकारियों ने किस आधार पर शहर के बीचों बीच में रैली की परमिशन दे दी। जवाब के आधार पर ही कोर्ट फैसला लेगा कि जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर अवमानना संबंधी कार्रवाई की जाए या नहीं। आपको बता दें कि नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत राजस्थान भाजपा ने 1 अगस्त को सचिवालय घेराव किया था। बीजेपी कार्यालय से चौमू हाउस सर्किल होकर स्टैच्यू सर्किल तक रैली निकाली गई थी और इससे स्टैच्यू सर्किल के चारों तरफ के इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया था। इससे वाहन चालकों के साथ साथ कई स्कूली बच्चे, वकील, सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी और आम राहगीर काफी ज्यादा परेशान हुए थे। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने इस पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। फिर जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच कोर्ट ने प्रकरण को अवमानना संबंधी कार्रवाई के लिए डिवीजन बेंच को रेफर किया था और अब इस मामले में सरकार को विस्तृत जवाब देने के लिए 21 अगस्त तक का समय दिया गया है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।